राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों कोरोना गाइडलाइन में मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर फूल प्रसाद माला आदि में छूट दी गई थी, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए किसी भी तरह का प्रसाद, भोग माला, नारियल व अन्य वस्तु मंदिर में ले जाने पर अभी भी पाबंदी लगाई हुई थी, जिसके बाद बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नरेशपुरी महाराज ने मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के भोग प्रसादी फूल माला बेचने वाले व्यापारियों के साथ बैठकर श्रद्धालुओं द्वारा बालाजी के भोग प्रसाद चढ़ाना शुरू करने का निर्णय किया गया। भगवान के प्रसाद चढ़ाने की छूट मिलने के साथ ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बाहर बाजार में दुकानें चलाने वाले दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। कोरोना के चलते प्रसादी चढ़ने पर रोक के करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब इससे जुड़े व्यापारियों व दुकानदारों में खुशी है। बाजारों में दुकानदारों व व्यापारी दुकानें सजाने लगी है। उनका कहना था कि सर्वसम्मति से लिए गए व्यापारियों व बालाजी मंदिर ट्रस्ट के इस निर्णय से लंबे समय से चौपट पड़ा व्यापार फिर से पटरी पर लौट सकेगा। टाइम 8 राजस्थान के लिए दौसा से विष्णु कुमार मीना की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों कोरोना गाइडलाइन में मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर फूल प्रसाद माला आदि में छूट दी गई थी, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए किसी भी तरह का प्रसाद, भोग माला, नारियल व अन्य वस्तु मंदिर में ले जाने पर अभी भी पाबंदी लगाई हुई थी, जिसके बाद बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नरेशपुरी महाराज ने मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के भोग प्रसादी फूल माला बेचने वाले व्यापारियों के साथ बैठकर श्रद्धालुओं द्वारा बालाजी के भोग प्रसाद चढ़ाना शुरू करने का निर्णय किया गया। भगवान के प्रसाद चढ़ाने की छूट मिलने के साथ ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बाहर बाजार में दुकानें चलाने वाले दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। कोरोना के चलते प्रसादी चढ़ने पर रोक के करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब इससे जुड़े व्यापारियों व दुकानदारों में खुशी है। बाजारों में दुकानदारों व व्यापारी दुकानें सजाने लगी है। उनका कहना था कि सर्वसम्मति से लिए गए व्यापारियों व बालाजी मंदिर ट्रस्ट के इस निर्णय से लंबे समय से चौपट पड़ा व्यापार फिर से पटरी पर लौट सकेगा। टाइम 8 राजस्थान के लिए दौसा से विष्णु कुमार मीना की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों कोरोना गाइडलाइन में मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर फूल प्रसाद माला आदि में छूट दी गई थी, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए किसी भी तरह का प्रसाद, भोग माला, नारियल व अन्य वस्तु मंदिर में ले जाने पर अभी भी पाबंदी लगाई हुई थी, जिसके बाद बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नरेशपुरी महाराज ने मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के भोग प्रसादी फूल माला बेचने वाले व्यापारियों के साथ बैठकर श्रद्धालुओं द्वारा बालाजी के भोग प्रसाद चढ़ाना शुरू करने का निर्णय किया गया। भगवान के प्रसाद चढ़ाने की छूट मिलने के साथ ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बाहर बाजार में दुकानें चलाने वाले दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। कोरोना के चलते प्रसादी चढ़ने पर रोक के करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब इससे जुड़े व्यापारियों व दुकानदारों में खुशी है। बाजारों में दुकानदारों व व्यापारी दुकानें सजाने लगी है। उनका कहना था कि सर्वसम्मति से लिए गए व्यापारियों व बालाजी मंदिर ट्रस्ट के इस निर्णय से लंबे समय से चौपट पड़ा व्यापार फिर से पटरी पर लौट सकेगा। टाइम 8 राजस्थान के लिए दौसा से विष्णु कुमार मीना की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।